हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है रेंट ऑफ बिल्डिंग अलाउड टू अ पार्टनर। यानी जब जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी पे रन हो रहा है और बदले में उस पार्टनर को उस बिल्डिंग को यूज करने के लिए रेंट पे करते हैं, इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा रेंट पेड टू अ पार्टनर का। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव द क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, यानी 1:1 की रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। बिजनेस इज कैरिड ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एक्स, यानी बिजनेस जो है वो एक्स की प्रॉपर्टी पे हो रहा है जो एक्स पार्टनर है, ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। एक्स की बिल्डिंग यूज करने के लिए बिजनेस के लिए उसको 10,000 पर मंथ का रेंट देते हैं। सेकंड, यानी एक चीज आ गई यहां पे रेंट जिसको हमने कंसीडर करना है क्वेश्चन में। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर क्वार्टर। यहां स्टूडेंट्स समझ ले, एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, यानी एक साल में एक्स को 4 बार सैलरी दी जाती है, 60,000 का रेट है। यानी ये सेकंड पॉइंट हो गया जिस पर हमें ध्यान देना है सैलरी का। थर्ड देखें अब क्या है, वाई इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 5%। जो पार्टनर वाई है उसको 5% कमीशन मिल रहा है ऑन नेट सेल्स, यानी बिजनेस की पूरे साल में जो नेट सेल होगी, एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹80,00,000, और पूरे साल में जो सेल है वो 80 लाख की है। यानी थर्ड पॉइंट हो गया जिस पर हमने ध्यान देना है, वो है वाई का कमीशन। फर्दर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। ध्यान देने वाली बात समझे स्टूडेंट्स, नहीं तो जल्दी जल्दी में मिस्टेक होती है। ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है इट इज बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, यानी जो एक्स की बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, एक्स को जो रेंट देना है 10,000 पर मंथ, वो रेंट देने से पहले का प्रॉफिट है। यानी इस प्रॉफिट में से 12,60,000 में से जो एक्स को दिया जाने वाला रेंट है वो माइनस करना जरूरी है। अब यहां जो खास बात आपको समझनी है स्टूडेंट्स, जो रेंट है, रेंट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रेंट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं है, बल्कि क्या है ये, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी एक्सपेंस। कंपल्सरी एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जब प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ सैलरी के नाम से, कुछ कमीशन के नाम से और कुछ डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। और चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस, ये एक्सपेंस तो इनकर हो गया, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पार्टनर्स को दिया जाने वाला रेंट क्या है, एक चार्ज है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो कहने का मतलब पार्टनर एक्स को जो रेंट देंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, बल्कि उसका ट्रीटमेंट कहां होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। नॉर्मली क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है, जैसे यहाँ नेट प्रॉफिट है, ये ऑलरेडी दिया होता है, लेकिन हमें रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा जब इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे मैनेजर कमीशन हो गया या रेंट पेड टू ए पार्टनर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट है 12,60,000, ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें एक्स को दिए जाने वाले रेंट की एडजस्टमेंट करनी है। तो प्रॉफिट यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं आप लोग, क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखें, क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है। अब रेंट जो हम एक्स को पे करेंगे, टू रेंट टू एक्स, एक्स को दिया जाने वाला रेंट एट द रेट ऑफ ₹10,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, रेंट अमाउंटेड टू ₹1,20,000। यानी 12,60,000 में से हमने
120,000 टैक्स को रेंट दे दिया, अब जो नेट प्रॉफिट बचा है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखने के कई तरीके हैं, आप टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो और यह भी करेक्ट है। और वो बचा कितना प्रॉफिट है हमारे पास, 11,40,000। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया, 12,60,000। दोनों साइड सेम अमाउंट आता है, आप जानते हैं इसे, दिस अकाउंट इज कंप्लीटेड 12,60,000। अब ये जो प्रॉफिट था इसको हमने क्या किया, ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना, 11,40,000, ध्यान रखना, यानी जो प्रॉफिट बचा है पार्टनर को रेंट देने के बाद। यानी एक चीज हमारी हो चुकी स्टूडेंट्स, रेंट वाला पोर्शन गया। सेकंड पे आ जाओ, अब हमने एक्स को सैलरी देनी है, डेबिट में लिखेंगे। इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जब हम कुछ भी देते हैं, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, डिविजिबल प्रॉफिट हो, दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो सबसे पहले चलिए एक्स को सैलरी दे देते हैं, टू सैलरी 2x। अब सैलरी है 60,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। यहां जल्दबाजी में मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स, इसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो, बट ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, इट अमाउंट्स टू ₹2,40,000। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यानी हमारा सेकंड पॉइंट भी हो चुका, हमने वाई एक्स को सैलरी दे दी। अब y का कमीशन रहता है, टू कमीशन टू y का कमीशन देखिए कितना है, 5% ऑफ नेट सेल्स एंड सेल्स अमाउंटेड टू ₹80,00,000। यानी हमारी सेल है 80,00,000 की, 80,00,000 का 5% उसको हमने कमीशन देना है, इट अमाउंट्स टू ₹4,00,000। इस तरह से हमने उसको ₹4,00,000 का कमीशन दे दिया, यानी हमारा तीसरा पॉइंट भी हो गया। यानी हमने प्रॉफिट में से अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के रेंट दे दिया, एक्स को सैलरी दे दी, वाई को कमीशन दे दिया। अब बचा क्या है, नेट प्रॉफिट माइनस ये दो एप्रोप्रिएशन की है, हमारे पास बचा है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। चलिए कैलकुलेट करते हैं, टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर्ड टू, किस किस में ट्रांसफर करना है, ये एक्स इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, इक्वली। अब आप देख लें स्टूडेंट्स एक बार कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है कितना, 11,40,000 में से 6,40,000 माइनस कर दीजिए, इट अमाउंट्स टू ₹5,00,000। ये बचा कितना है, 5,00,000। 5,00,000 क्या है स्टूडेंट्स, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविजन अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। तो 55,00,000 को अगर आप 5,00,000 सॉरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स को मिलेगा 2,50,000, वाई को मिलेगा 2,50,000। इस तरह से हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया, बोथ साइड टोटल इक्वल कर लें, 11,40,000, 11,40,000। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट समझे, मेन चीज थी रेंट पेड टू ए पार्टनर विच इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड दैट्स व्हाई इट इज शोन और इट इज एडजस्टेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। उम्मीद है दोस्तों इस लेक्चर से आपको कुछ एक नई बात और पता चली होगी रेंट ऑफ पार्टनर्स के ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें।